अजय देवगन। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिन्हें हम सिंघम, तानाजी, गोपाल और कई सारे कैरेक्टर्स में देखा है, जिन्होंने हमें हंसाया है, रुलाया है। दोस्तों आपको बता दें कि वह जब दोस्ती निभाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से निभाते हैं, वह अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देते। ऐसे ही दोस्तों थे रोहित शेट्टी। जब रोहित शेट्टी बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे तब अजय देवगन ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि रोहित शेट्टी के जो फादर थे वो एक्सेंट डायरेक्टर थे और उनकी मदर जो थी एक जूनियर आर्टिस्ट थी। रोहित शेट्टी ने अपना बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का करियर शुरू किया था अजय देवगन की ही फिल्म से, फूल और कांटे से। जी दोस्तों, उसमें वे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इसके बाद दोस्तों वे सुहाग फिल्म में एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह नजर आए थे। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी ओर वे अक्षय कुमार के स्टंटमैन का किरदार भी इस फिल्म में निभा रहे थे। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने हकीकत, राजू चाचा जैसी बेहतरीन फिल्में की। इसके बाद दोस्तों प्यार तो होना ही था और कई सारी फिल्में एक साथ की। और दोस्तों दोनों के जो फादर थे वो डायरेक्टर फील्ड से थे, इस वजह से दोस्तों दोनों की खूब जमती थी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब दोनों के फादर एक्शन डायरेक्टर फील्ड से थे तो ये दोनों कई सारी फिल्में एक साथ में किए थे। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई थी। तो फिर दोस्तों साल 2000 आया जब रोहित शेट्टी एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यूट करने वाले थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में जो रोहित शेट्टी थे उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, ना ही किसी बड़े बैनर के तले कोई फिल्म की थी कि उनको कोई भी सुपरस्टार उनकी फिल्म में काम करने लग जाए। दोस्तों उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आया अजय देवगन का, क्योंकि दोस्तों अजय देवगन के साथ उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया था। उन्होंने अजय देवगन के सामने एक फिल्म का प्रपोजल रखा। दोस्तों कहा उन्होंने कि एज अ फ्रेंड आप मेरी इस फिल्म में काम करने चाहते हैं, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि एज अ फ्रेंड नहीं, मैं एज अ भाई काम करूंगा। तो दोस्तों इस वजह से रोहित शेट्टी अजय देवगन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। वहीं से दोस्तों इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने लगभग 9 फिल्में एक साथ में की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित रही। जिस फिल्मों में रोहित शेट्टी के अजय देवगन नहीं थे वो भी फिल्में काफ़ी शानदार रहीं। दोस्तों आपको बता दें कि एक समय शाहरुख खान उनके पास फिल्म लेकर आए थे चेन्नई एक्सप्रेस, तो अजय देवगन से ही पूछकर रोहित शेट्टी ने चेन्नई एक्सप्रेस की थी और ये फिल्म सुपरहिट ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों जब उनकी कई सारी सीक्वल्स आने लगी सिंघम रिटर्न्स के बाद, जैसे दोस्तों सिम्बा है, तो रणवीर सिंह ने अजय देवगन से पूछा कि मैं आपके सीक्वल्स में काम कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा हाँ आप काम कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये दोनों एक साथ सिम्बा फिल्म में नजर आए थे। एक छोटा सा केमियो सिम्बा फिल्म को 400 करोड़ क्लब में पहुंचा सकता है, तो अजय देवगन और रोहित शेट्टी की दोस्ती पर कोई शक करने की बात ही नहीं कि जब भी ये दोनों फिल्में लाते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाकेदार कमाई करती हैं और दर्शकों को भी खूब पसंद आती हैं। वहीं दोस्तों एक और अजय देवगन आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, और दूसरी ओर अगर बात करें रोहित शेट्टी की तो वो भी बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर्स में आते हैं, उनकी फिल्में काफ़ी शानदार होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी की दोस्ती लगभग 28 साल पुरानी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों लगभग 2 फिल्में लेकर आने वाले हैं जो कि दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एक है गोलमाल 5 और दूसरी है सिंघम 3। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गोलमाल 5 और सिंघम 3 200 करोड़ के क्लब में जाएंगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।